सो ये वीडियो आपके मोबाइल में कैसे बनाते हैं वो आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ। एंड बहुत ही सिंपल है, बस आपको पूरा वीडियो देखना है। जस्ट आपको आपका नेट या फिर वाईफाई ओपन कर ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको जस्ट प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है, स्नैपसीड एप्लीकेशन का नाम है वो सर्च कर लेना है। सो इस टाइप का कुछ एप्लीकेशन है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल करके रखा है। एंड सेकेंड एप्लीकेशन आपको सर्च करना है स्टोरी चिक, स्पेलिंग देख लो आप। एंड वो सर्च करने के बाद आपको जस्ट ऊपर एक एप्लीकेशन आएगा। सो ये एप्लीकेशन है कुछ ऐसा। सो मैंने भी इंस्टॉल करके रखा है। सो आपको दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हैं आपके फ़ोन में। एंड उसके बाद आपको आपको जस्ट आपका स्नैपसीड ओपन कर लेना है एप्लीकेशन आपके फ़ोन में से। ओपन करने के बाद आपको जो ऐसा देखेगा, आपको प्लस आइकन पे टैप करना है ना। आपको कौन सा भी जो फोटोज ऐड कर लें वीडियो में वो लेना है। सो ये फ़ोटो को ऐसा लेने के बाद आपको जस्ट एक्सपांड का ऑप्शन आएगा। सो आपको जस्ट ऊपर से या फिर नीचे से, खाली नीचे से एक्सपांड कर लेना है। एक्सपांड करने का ऐसा एक्सपांड करके राइट क्लिक कर देना है एंड सेव कर लेना है। एक्सपोर्ट का ऑप्शन में आना है, सेव कर लेना है। आपको थोड़े बहुत पिक्स ऐसे सेव करने पड़ेंगे। मैं आपको ये डेमो दिखा रहा हूँ। आपको मीन्स आपको नॉर्मली 10 या 12 से पिक्स आपको ऐसे सेव कर ले लेने। सो अभी मैं सेकेंड पिक करके दिखाऊंगा आपको। टूल पे जाना है, एक्सपांड पे जाना है एंड नीचे से जैसे आपको एक्सपांड कर लेना है। राइट क्लिक ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करके सेव कर लेना है। ऐसे आपको 13 से 12 पिक्स सेव कर लेने हैं। आपके पास मिनिमम 18 पिक्स रहने चाहिए वो वीडियो के लिए। सो ऐसे मतलब सब पिक्स सेव कर लेने हैं। एंड आपको जस्ट मैं बता रहा हूँ, आपको 13 या 12 पिक को ऐसे सेव करके 18 पिक्स को रखना है। उसके बाद आपको स्टोरेज ऐप ओपन कर लेना है आपके मोबाइल में जो आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया था। उसका इंटरफेस ऐसा कुछ है। एंड आपको क्रॉस का ऑप्शन आ रहा रहेगा ऊपर, उधर से कट करके और एक क्रॉस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है और वापस से क्रॉस कर देना है। उसके बाद आपको जस्ट आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे। आपको जस्ट ऊपर फर्स्ट वन में माय पे, सो आपको स्लाइड कर लेना है, स्लाइड करना है एंड वो आगे वीडियो। सो स्लाइड करो आप और एंड स्लाइड करने के बाद जस्ट ये वीडियो आए है, उसको नीचे से पहले डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड किया है ये वाला वीडियो है। सो उसको फर्स्ट डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड किया है। सो उसको यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड हो जाते ही यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे वाटरमार्क आ रहा रहेगा आपको वीडियो को। सो वाटरमार्क कैसे आता था वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। सो आपको जस्ट एड फोटोज़ पर आके सब फोटोज़ ऐड कर लेने वन बाय वन। मैं बोला आपको मिनिमम 18 पिक्स चाहिए और उसमें से 13 से 12 पिक आपको एक्सपांड करके स्नैपसीड ऐसे यहाँ पे एक्सपांड कर लेने एंड ऐड कर लेना है इसको। एंड उसके बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, लोडिंग का ऑप्शन। सो आपकी वीडियो रेडी हो गई है। सो आपको नीचे एक इसका ऑप्शन आ रहा है, वाटरमार्क का ऑप्शन आ रहा है। सो कैसे आता है मैं आपको बताने वाला हूँ। सो जो जो एक्सपांड किए हुए पिक्स है ना वो आपको रखना है। एंड जो स्मॉल पिक्स में आ रहे हैं जैसे कि ये वाले पिक को आपको जस्ट स्मॉल रखना है। एंड जो एक्सपांड वाले पिक है वो नीचे लगा लेने, क्योंकि लेयर बहुत हो जाएगा। अपन बाद में क्या करने का वो बताऊँगा मैं। जैसे आपको जस्ट आपके शूज के नीचे एक वो वाटरमार्क आना चाहिए। एंड आपको मिडल में आप कौन से भी पिक्स रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। सो आपको केयरफुली कर लेना है। एंड चेंज कैसे करना है मैं भी वो भी आपको बताऊंगा। अभी जिस पिक में आपको शॉट लग रहा है, हाँ इसमें आ रहा है पैर के नीचे, सो आपको जस्ट यहाँ से चेंज कर लेना है। आपको अलग पिक डालना है आपका, जिससे वो वाटरमार्क पैर के नीचे के लेयर में रहे, आपके पैर के ऊपर ना आए।
एंड कुछ भी शॉर्ट हो रहा है बीच में वीडियो में तो आपको फटाक से चेंज कर लेने हैं, प्रॉपर पहले आपको वीडियो देखना है एंड उसके बाद चेंज कर लेने फ़ोटोज़ को। सो आपको कुछ मिस्टेक नहीं करना है इस वीडियोज़ में, नहीं तो वीडियो गंदी दिखेगी, इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। सो आपको जस्ट वाटरमार्क के नीचे का ऑप्शन है वो हटाने का है, उसके लिए आपको शूट्स के नीचे में एक्सपांड किया हुआ फ़ोटोज़ लगाने एंड जो बीच में नॉर्मल है वो नॉर्मल रखने हैं आपको, ये वाले बीच के फ़ोटोज़। एंड आपको बस केयरफुली करना है, इतना कुछ हार नहीं है, बस आपको जहाँ पे आपको लग रहा है हाँ सीन हो रहा है ये वीडियो का सो वहाँ पे फ़ोटोज़ आपको चेंज करने हैं। वीडियो को अच्छे से एकदम समझना है आपको एंड चेंज करना है, आप आपका टाइम लेके चेंज करो, उसके बाद मैं आपको आगे बता रहा हूँ क्या करना है। सो यहाँ पे ऑडियो पहले से ही है वीडियो में एंड आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खाली वो आ रहा है बाजू में, सेव का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन है, वहाँ पे डाउनलोड जाके सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो सेव का कुछ ऐसा प्रोसेस आएगा। आपको सेव करने के बाद आपको जो स्काई नोस्टर में आना है वाटर मार्क निकालने के लिए, अभी मैं वाटर मार्क कैसे निकालने का है वो बताऊँगा। सो आपको जस्ट प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड 9:16 का रेशो लेना है इंस्टाग्राम का, उसके बाद मीडिया पे जाना है, आपने जो वीडियो सेव किया था वो वीडियो को चूज़ कर लेना है, आपने जो एक्सपो किया था वहाँ पे सेव किया था वो गैलरी में दिखाएगा एंड उसको सेव कर लेना है जस्ट एंड इधर ला लेना है। सो आपकी वीडियो ऐसे आएगी एंड नीचे आपको वाटर मार्क दिख रहा है, आने के बाद आपको जस्ट वाटर मार्क का नीचे ऑप्शन दिख रहा है सो उसको अभी कैसे हटाने का वो आपको बताऊँगा। जैसे आपको वीडियो पे ऊपर क्लिक करना है एंड वो जूम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, पैन एंड जूम का ऑप्शन, वो दोनों को बीच में सिलेक्ट कर लेना है, लाइन दिखेगी एंड आपको वीडियो को जूम कर लेना है, जब तक वो वाटरमार्क नहीं जाए एंड वीडियो को अच्छी लगे तब तक आपको सिलेक्ट करना है। सो आपको वीडियो प्रॉपर मिलेगी, वाटरमार्क हट जाएगा आपका एंड प्रॉपर वीडियो आ जाएगी ऐसे कुछ में। सो वीडियो को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है जूम, पैन एंड जूम के ऑप्शन पे जाके वीडियो के ऊपर क्लिक करके पैन एंड जूम के ऑप्शन पे आना है एंड एक्सपोर्ट कर लेना है 108 से 3 TPS पे, तो अभी आउटपुट देखो आप।